जी, मेरा नाम जुनेद आरम जिगर बलिया भी है। मैं साहित्य से भी जुड़ा हूँ, खेल से भी जुड़ा हूँ, सामाजिक सेवाएं भी होती रही हैं, और जो भी हमसे हो सकता है जनता के लिए करना चाहता हूँ। और कोशिश रहती है कि हर किसी की जबान पर, बात पर, उनकी कोशिशों पर मैं पूरा उतर सकूँ। ये मेरा फ़र्ज है और इस फ़र्ज़ को निभाने की पूरी कोशिश करता हूँ। आप बताएँ जी, आज उमरगंज में पाए हुए हैं, बेरी प्रेमचक में, तो क्या यहाँ का निवासी हैं क्या? कि मैं बगल के गांव का हूँ, बहेरी का, और ये हमारे सरार सर जो बहुत ज़माने से गांव के लिए कोशिश करते रहे हैं कि इस गांव का विकास कैसे हो, लेकिन अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, इससे महरूम रह जा रहे हैं। इनके दिल में बहुत से ख्वाहिशात हैं, जो मसाइल मसले यहाँ पर हैं उसको पूरा किया जा सके, लेकिन अभी तक जनता ने इनको आशीर्वाद नहीं दिया, कुछ कुछ वोटों से ही पीछे रह जा रहे हैं। इस बार हमारी कोशिश है कि इनको कामयाबी दिलाई जाए और जनता का पूरा सहयोग अभी तक मिल रहा है, और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि कामयाबी भी इन्हीं को मिलेगी, इसलिए कि इन्होंने बहुत कुछ किया है। जो लोग वादा करके आ भी जाते हैं लेकिन वो कर नहीं पाते, तो इससे इनको मायूसी होती है, जनता महरूम रह गई। इसलिए इसका आप कहने का तात्पर्य, जो वादा करेंगे वो निभाने की हर कोशिश करेंगे? बिल्कुल, ये नो डाउट जनता इनसे सवाल भी कर सकती है, इनको जहाँ चाहे, क्योंकि जो ये सामाजिक कार्यकर्ता है, ऐसा नहीं कि आज प्रधान जीत गए तो भी गायब हो गए, हमेशा चिट्ठी पर आपको मिलेंगे। और जो जैसा चाहे, जिस स्तर का आदमी, चाहे टॉप लेवल का हो या क्रीमी लेयर का हो या टॉप टू बॉटम, एवरी थिंग अवेलेबल है, आप जैसे चाहेंगे इनको हासिल कर लेंगे, जो चाहेंगे करवा लेंगे। इस तरह से जनता से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, इनके लिए आप उम्मीद कर सकते हैं, आप जैसे चाहे जहाँ चाहें इनसे मिल सकते हैं, जो काम चाहेंगे करवा लेंगे। करवाने का मतलब यह है कि जो जेन्युइन चीज़, आप इलीगल नहीं, जो जेन्युइन चीज़ हो, जो हक की बातें हों, जो चाहे किसी भी मसले पर हो, ये तो हमेशा से, चाहे विधवा पेंशन, ये सब चीज़ें इनके लिए हमेशा करते थे, प्रधान हो चाहे ना हो, आज भी लोग इनसे जुड़े हैं, कहते हैं करवाते हैं। बाकी लोग जो नहीं सक्षम हैं, इधर उधर दाएं बाएं करके रह जाते हैं, नहीं कर पाते हैं, लेकिन ये ना होने के बावजूद भी प्रधान करते हैं, और जब हो जाएंगे तो आप समझ सकते हैं कितना ऊपर तक ले जाएंगे गाँव को। इसरार अहमद एडवोकेट, निवासी उमरगंज बलिया। जी जी, क्या क्या प्रधान प्रत्याशी खड़े हैं क्या? जी, प्रधान प्रत्याशी के लिए खड़े हैं। जी 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 जी, हम आपसे जानना चाहते हैं क्या उद्देश्य है, किस उद्देश्य से आप खड़े हुए हैं? देश हमारा विकास कार्य के लिए है, गांव का विकास कराया जाएगा, नाली खरंजा। सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ पानी की है, सप्लाई की, जिससे आपको पहले भी अवगत कराया जा चुका है, एक साल हो गया ये सप्लाई का पानी आता नहीं है हमारे। शिकायत करने पर लोग आते हैं, चेक करके जाते हैं, और मामला ज्यों का त्यों भरा रह जाता है, कोई कार्रवाई नहीं होती है। जी जी, हम जानना चाहते हैं, अगर जनता आपके ऊपर पूर्व बहुमत देती है या आशीर्वाद देती है, तो क्या उनके विश्वासों पर खरा उतरने का काम करेंगे आप? एकदम खरा उतरा जाएगा, जो भी विकास कार्य होगा उसे कराया जाएगा, और हम जनता के विश्वास पे एकदम खरा उतरेंगे, ये मेरा वादा है। गांव में बहुत सारे छोटे छोटे मामले भी होते हैं जो हल नहीं हो पाता है जी। गांव के जो छोटे छोटे गरीब बस्तियों में, चाहे कुछ लोग ऐसे भी छोटे छोटे मामले आते हैं, तो आप उसके लिए आप खड़े रहेंगे? अरे, खड़ा रहा ही जाता है। मान लीजिए सरकार की कल्याणकारी योजनाएं जो हैं वो लोगों तक पहुंच नहीं पाती हैं, हमारा काम होगा जन जन तक पहुंचाना, जैसे वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, शादी अनुदान, इन बातों की लोगों को तक जानकारी पहुंचाना और उसको पूर्ण कराना। जी, कहने के तौर पर आपकी जो भी सरकारी योजनाएं हैं जी, हर व्यक्ति को लाभ दिलाने के लिए हर कोशिश करेंगे आप? जी जी जी, किसी को वंचित नहीं रहने का? अरे, वंचित कैसे रहेंगे? कुछ आपके द्वारा अपने ग्राम सेवक के संदेश है कि पंचायत चुनाव पर? तो आज महाशिवरात्रि पर्व पर मैं पूरे ग्रामवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ, और मुझे विश्वास है कि इस बार जनता मुझे पूर्ण बहुमत से यहाँ लाएगी, और उनके विश्वास पर मैं खरा उतरने का कार्य करूँगा। सब्सक्राइब करें इंडिया टॉप न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टॉप न्यूज अपने क्षेत्र की खबरें सबसे पहले पाएं।